फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एयरिंग गाय द एक्सप्लोरर। और आज हम एक अनोखे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ऐसे तो हर एक चीज लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स वो होती है जिन्हें जीने के लिए खाना, पानी और हवा की जरूरत होती है, जैसे हम इंसान, पशु पक्षी और पौधे। और नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ होती है जिन्हें जीने के लिए खाना, पानी और हवा की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि चेयर, एरोप्लेन, टेबल एक्सेट्रा। और वो चीज़ जो हम दोनों कंसिडर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, वो है वायरस। यस दोस्तों, आज हम वायरसेस के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं वायरस का पिक्चर। वायरसेस एक बहुत छोटे जंतु है जो छोटे से एक बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े ब्लू वेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ मैग्निफिसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम सिर्फ इसकी वजह से वायरस को देख पाते हैं। वायरसेस 10 से 100 गुना बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरसेस प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं। और वायरसेस में 3 प्रकार होते हैं। There are 3 types of viruses: viruses of bacteria, viruses of plants and viruses of animals. तो आज हम ये तीनों के बारे में जानेंगे। पहले viruses of bacteria। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरिया फेजेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक्टीरिया फेज की पिक्चर। मोस्टली बैक्टीरिया फेज अलग अलग शेप में आते हैं और सबके पीछे एक टेल होती है जिससे वो हॉस्ट सेल को कम्युनिकेट करते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइटिक एसिड या लाइसोजेनिक साइकिल। तो आप देख सकते हैं ये वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो हुआ है, बाद में इसने रिप्रोड्यूस करना चालू किया है और इनके बहुत सारे हो गए हैं और ये बैक्टीरिया में समा गए हैं। बाद में इनकी बहुत सी आबादी बन गई और ये बैक्टीरिया को मारने लग गए। तो इस तरह से वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस ऑफ प्लांट्स। वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें वायरसेस ऑफ प्लांट्स कहते हैं, जैसे पोटैटो वायरस या रिंग स्पॉट वायरस। तो आप देख सकते हैं ये पोटैटो वायरस, ये एक प्लांट है जिसमें मोज़ेक वायरस की वजह से इसका लीफ देखो आप कैसा हो गया। बाद में ये अच्छे लीव्स है जिसके वायरस के कारण ये इतने गंदे हो गए। अब रिंग स्पॉट वायरस, तो आप देख सकते हैं आपको पता चल गया कि रिंग स्पॉट क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लीफ में ऐसा रिंग हो गया है, वो वायरस है। बाद में ये पापाया में ऐसे स्पॉट्स हो गए हैं, वो वायरस है। बाद में ये चिली में भी आप देख सकते हो रिंग, वो वायरस है। और ये क्यूकम्बर जो बिगड़ गया है और डिग्रेड हो गया है रिंग्स के वजह से, वो भी वायरस है। तो ये है रिंग स्पॉट वायरस। वायरसेस ऑफ एनिमल्स। जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें वायरसेस ऑफ एनिमल्स कहते हैं, जैसे पोलियो और रोटा। तो आप देख सकते हैं पोलियो वायरस का क्या है। पोलियो वायरस ने ये बच्चे हम ह्यूमन बींग्स पर भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी एक एनिमल है और ये है उसका वायरस का रूप पिक्चर। रोटा वायरस ये एनिमल्स में होता है मेनली। तो आप देख सकते हैं ये रोटा वायरस बर्ड्स में हो गया है, ये चिकन है और ये एक बर्ड है। बाद में काउज में भी आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, वो एक वायरस है और ये है रोटा वायरस का पिक्चर। वायरस के मेनली 4 शेप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, स्फेरिकल, पॉलीहेड्रल और हेलिकल।
कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया फॉज। बाद में स्पेरिकल में आते हैं इन्फ्लुएंजा, और पिछले 2 सालों में कोरोना भी एक स्पेरिकल वायरस है। बाद में आता है पॉलीहेड्रल में एनेमो वायरस, और लास्ट में हेलिकल में आता है तबाको मोसाइक वायरस। ये सब 4 शेप्स है मेनली वायरसेस के। अब हम देखेंगे 3D एनिमेशन ऑफ वायरस, चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब वायरसेस है जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कैसे वायरसेस है। और ये है वायरस का इनसाइड पार्ट, आप देख सकते हैं वायरस का इनसाइड पार्ट, और ये सारे उसके प्रोटीन्स के लेयर हैं। और ये सारे वायरसेस RNA और DNA से बने हैं। तो होप यू गेट समथिंग न्यू टू लर्न अबाउट वायरस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियोज़।